उमर अब्दुल्ला ने ली जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ, इंडिया गठबंधन के नेता भी रहे मौजूद। सुरेंद्र सिंह चौधरी बने जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम, बीजेपी नेता रविंद्र रैना को हराया था चुनाव। नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के सीएम, बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सैनी, 17 अक्टूबर को सीएम पद की लेंगे शपथ। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले जम्मू कश्मीर को वापस राज्य बनाकर ही रहेंगे। ईडी ने सीएम नायडू को 371 करोड़ के घोटाले में दी क्लीन चिट, कांग्रेस ने कसा तंज, कहा मोदी की वॉशिंग मशीन में चंद्रबाबू नायडू भी धुल गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज शाम 5 बजे, उम्मीदवारों को होगा चयन। शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, बोले सीट शेयरिंग पर बात लगभग पूरी हो चुकी है, कभी भी हो सकता है ऐलान। मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाना अपराध नहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट ने रद्द किया केस। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, आपने लॉन्च किया जनसंपर्क अभियान, पार्टी मुख्यालय से की गई शुरुआत। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा दावा, राजस्थान में उपचुनाव की सभी सीटें जीतेंगे। आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते, इस्लामाबाद में जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरा, एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान गए हैं जयशंकर। राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक सेहत को लेकर उठाए सवाल, कहा उम्मीद करती हूं वो ठीक होंगे, अमेरिका में नवंबर में होने हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में किया हमला, हमला करने से पहले सेना ने क्षेत्र खाली करने की दी थी चेतावनी, अब तक हमले में 1356 लोगों की जा चुकी है जान। कनाडाई पीएम के बाद अब कनाडा के सिख नेता जगमीत सिंह के बिगड़े बोल, कहा हमें आरएसएस भारतीय राजनयिकों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। भारत कनाडा विवाद में अमेरिका ने दिया बड़ा बयान, भारत में जांच में सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप, कहा हम चाहते हैं कि भारत सरकार कनाडा के साथ जांच में करे मदद। काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट में किया दावा, दिवाली तक बिकेंगे 3.5 करोड़ स्मार्टफोन, क्रेडिट कार्ड से बढ़ी है खरीदारी, अक्टूबर के पहले 2 सप्ताह में स्मार्टफोन की बिक्री 12% तक बढ़ी है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, 3% बढ़ा डीए, इससे पहले इसी साल मार्च में 4% का मिला था डीए हाइक, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। खराब मौसम के चलते समय पर शुरू नहीं हो पाया भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच, बारिश के चलते नहीं हो पाया टॉस, मौसम विभाग ने दिन भर रुक रुक कर बारिश का जताया अनुमान। शाहरुख खान के पॉपुलर टीवी शो फौजी का बनेगा सीक्वल, दूरदर्शन पर होगा टेलीकास्ट, विक्की जैन गौहर खान आएंगे नजर। एक्ट्रेस श्रिया पिलगांवकर का छलका दर्द, बोली शाहरुख के साथ काम करके नहीं मिला फायदा, कम लोगों ने किया नोटिस।